हरे कृष्णा। आज हम इस तरह की स्टार शेप ड्रेस बनाना देखेंगे बाल गोपाल के। हम ये किस तरह से बना सकते हैं, बहुत इजी है बनाने में। इसके अंदर हमने मोतियों के साथ डेकोरेशन किया है, मोती इसी के अंदर पिरे हुए हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। स्टार शेप है, फ्लावर की शेप देती है, बहुत सुंदर लगती है, बनाने में भी बहुत आसान है। ये मैंने बड़े कान्हा जी के लिए बनाई है, 12 चेन के साथ स्टार्ट करके। अब मैं आपको छोटे कान्हा जी की बनाना बता रही हूँ। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो भी ऊन आपने डिसाइड की है उस ऊन के अंदर अब मैं अपने मोती डालूंगी। मैं ये मोती ले रही हूं, देखिए इस साइज के, ये 2 नंबर के हैं। मोती का कलर साइज सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो क्रिस्टल भी लगा सकते हैं। अब इन मोतियों को सिंपल इस तरह डाल के सुई के अंदर इनको पिरो लेना है ऊन के अंदर, ताकि जब हम अपना यूज करें तो इसको एकदम यूज कर सकते हैं। अब आपको ये तो पता नहीं है कि कितने मोती आपके यूज होंगे, घेरे में आप कितने लगाएंगे, कितनी लाइंस बनाएंगे, तो बस इसको अंदाजे से थोड़े ज्यादा मोती आप करके पिरो लीजिए, अंदाजे से थोड़े ज्यादा करके। अब ये मैं सारे पिरो लूंगी। ये इस तरह करके मैं सारे मोती पिरो लूंगी इसके अंदर। देखिए ऊन के अंदर इसको मैंने पिरो लिया, ये इस तरह की माला सी बन जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब ये सारे धागे नीचे करके सुई में निकाल लूंगी। अब शुरू करूंगी। शुरू करने के लिए ये इस तरह से मैंने एक सर्कल बनाया, इस तरह से क्यूब बना, ये मैंने पहला फंदा अपना उठा लिया, ये मेरा पहला फंदा बन गया। एक की चेन बनाई, पीछे वाले को खींच दिया, ठीक है, इस तरह ये मेरी गांठ लग जाती। अब मैं 8 फंदों की चेन बनाऊंगी। ये 8 फंदों की मैंने चेन बना ली है। 8 की चेन बना के 2 चेन और बनाऊंगी, जो मेरा पहला डबल क्रोशिया होगा। अब बल लूंगी, 1-2 छोड़ के थर्ड तो मेरा 8वां नंबर है। अब जो 7th नंबर का स्टिच है इसके अंदर डालूंगी और डबल क्रोशिया चेन, डबल क्रोशिया करो, डबल क्रोशिया चेन, डबल क्रोशिया, फिर बल लूंगी। नेक्स्ट स्टिच में भी मुझे डबल क्रोशिया चेन, डबल क्रोशिया करना है, डबल क्रोशिया चेन, डबल क्रोशिया। नेक्स्ट 2 स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करना है। फिर डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच के अंदर, फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया चेन, डबल क्रोशिया चेन, डबल क्रोशिया। और लास्ट के अंदर एक डबल क्रोशिया। स्टार्टिंग में जो मैंने 2 की चेन बनाई थी वो मेरा पहला डबल क्रोशिया हो गया था, फिर नेक्स्ट 2 स्टिच के अंदर मैंने डबल क्रोशिया चेन, डबल क्रोशिया बनाया, डबल क्रोशिया चेन, डबल क्रोशिया, बीच में 2 डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया चेन, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया चेन, डबल क्रोशिया, और लास्ट में 1 डबल क्रोशिया। अब देखिए शुरू और आखिरी में मेरा एक एक है, बीच में 2 है, और ये 2-2 के सेट मैंने 4 बनाए। इस तरह करके मेरी पहली रो बन जाएगी, ठीक है। अब मैं 2 की चेन बनाऊंगी और अपने वर्क को टर्न करूंगी। अब हर स्टिच के ऊपर मुझे एक एक डबल क्रोशिया करना है। इसके साथ इस लाइन के अंदर मैं मोती भी डाल दूं, तो ये इस तरह से ये मोती मैंने डाला। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर इस तरह से डाला 2, 2 और 1, फिर मैंने बल लिया। अब मेरा डबल क्रोशिया चेन, डबल क्रोशिया का पोर्शन आ रहा है, तो उसमें इसी तरह से अब मैं हर स्टिच के अंदर मोती डाल रही हूं, तो इसमें भी मोतियों को हाथ से इस तरह से खींच लेंगे, ऊपर लेकर आएंगे। यहां मैंने एक मोती डाला,
अब ये जो डबल चेन है, चेन के बीच में से मैं एक डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया करूंगी। तो चेन वाले पार्ट के बीच में से इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया करने के लिए दोबारा मोती मुझे लगाना है यहाँ पे इस तरह से। मोती क्रोशिया के अंदर हम मोती किस तरह से यूज कर सकते हैं हर स्टिच में, इसकी हमारी एक सेपरेट वीडियो है हमारे दूसरे चैनल क्रिएट हैप्पी लाइफ में, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। अब इसको मैं पूरा कर लूंगी डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर डबल क्रोशिया। बस हर स्टिच के अंदर मुझे ध्यान रखना है कि इस तरह मैं मोती लगाती जाऊं। हाथ से खींच के मोती को इस तरह से आगे लेकर आएंगे और फिर नॉर्मल तरीके से हमारा डबल क्रोशिया करें। आप चाहें तो इसको सिंगल क्रोशिया में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टिच में हम नेक्स्ट देखिए डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया का पोर्शन है, तो ये चेन के बीच में से मुझे वही डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया रखना है। डबल क्रोशिया चेन, फिर इसके बीच में से डबल क्रोशिया। जब हमारे ज्यादा मोती आ रहे हैं तो उनको हाथ से नीचे कर देंगे। ये हमारा बहुत मजबूत हो जाता है। अगर आप बाद में मोती पेस्टिंग कर रही हैं, तो वो मजबूती नहीं होती, वो कभी भी छूट सकती हैं। डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया के बीच में हम डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया ही करेंगे चेन वाले पार्ट में से। ठीक, कुछ इस तरह से आ गया है। दो की चेन बनाऊंगी, अपने वर्क को टर्न कर दूंगी। यहाँ पे हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करूंगी। अभी मैं डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया के पोर्शन में, तो इस तरह से लूप डालूंगी। जो दोनों लूप है उनके बीच में से निकाल के इस तरह से मैं अब ये डबल क्रोशिया कर दूंगी। फिर अपने वर्क को इस तरह से घुमा के नेक्स्ट स्टिच पे ले आऊंगी। सारे स्टिच में आप देखिए मैं डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया के पोर्शन में हूं और ये मेरा दूसरा डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, तो इसको मैं इसके ऊपर रख के इन दोनों के बीच में से इस तरह से अपना हुक निकाल के दोनों को एक करके इस तरह मैंने खींच के ऊपर करा। अब तीन का दो, दो का एक कर लिया, तो इस तरह मेरी बाजू अटैच हो जाती है। जितने हैं उन सब में मैंने डबल क्रोशिया कर लिया। इस तरह मेरी चोली बन गई।
अब जो स्टार्टिंग लाइन है उसके साथ मैं इसको इस तरह से अटैच कर दूंगी। ये इस तरह मेरी कमर आ गई है। ठीक है, बाजू जोड़ने के बाद अभी मैंने दो की चेन बनाई है, बल लूंगी। ठीक है, अब हर स्टिच के अंदर मुझे दो दो डबल क्रोशिया करनी है। हर स्टिच के अंदर दो दो डबल क्रोशिया करूंगी। ये मेरे दो हो गए। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर, हर स्टिच के अंदर दो दो डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच हो गया, हर स्टिच के अंदर दो दो डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच, अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गई हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट में जो मेरी स्टार्टिंग की चेन थी उसी के अंदर से इस तरह से निकाल के मैं स्लिप स्टिच कर लूंगी ताकि मेरा जॉइन हो जाएगा घेरा। अब मैं दो की चेन बनाऊंगी, बल लूंगी। अब हर स्टिच के अंदर से मैं एक एक डबल क्रोशिया करूंगी। ये मैं फ्रंट पोस्ट कर बैक पोस्ट कर रही हूँ मोती के साथ। तो देखिए, घेरे पे मैं मोती की लाइन लूंगी इस तरह से और स्टिच के बीच में से इस तरह से क्रोशिया हुक को निकाल के ये मैंने ऊपर करा, तीन हो गए, तीन का दो और दो का एक कर दिया। मोती इस तरह मेरा फ्रंट में आ जाएगा। फिर लूप लिया, यहां मोती लगा के स्टिच के बीच में से इस तरह क्रोशिया हुक को डाला, इस तरह तीन हो गए, तीन का दो और दो का एक कर दिया। अब फिर तीन का दो और दो का एक। अब इस तरह करते हुए मैं अपनी लाइन पूरी करूंगी। ये देखिए फ्रंट पोस्ट, इसमें फायदा ये होता है किनारी ये ऊपर आ जाती है तो ये बहुत अच्छा लुक देती है। ठीक है, अब इसको मैं कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए मैंने रो कंप्लीट कर लिए है, बिल्कुल लास्ट में पहुंच गई हूँ। अब जो मैंने स्टार्टिंग की दो की चेन बनाई थी उसके साथ इसे अब इस तरह डाल के स्लिप स्टिच कर दूंगी। ठीक है, मेरा घेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए उठा हुआ बहुत अच्छा लुक देता है। अभी घेरा फैलेगा तो ये बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें कोई भी डबल क्रोशिया नहीं करना, मैं बिना बल का सिंगल क्रोशिया करूंगी हर लाइन के अंदर। ठीक है, अब मैं देखिए एक की चेन बनाई है, सिर्फ एक की चेन बनाई है। अब मैं स्टिच के अंदर इस तरह से डालूंगी बिना बल लिए, दो हो गए, दो का एक कर दिया। हर स्टिच के अंदर दो दो करने हैं, इस तरह से डाला, दो हो गए, दो का एक कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से इंसर्ट किया, दो हो गए, दो का एक कर दिया, दो हो गए, दो का एक कर दिया। नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से दो हो गए, दो का एक कर दिया, दो लूप हो गए, दो का एक कर दिया। हर स्टिच के अंदर मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी। एक स्टिच के अंदर दो दो सिंगल क्रोशिया करना है। एक स्टिच के अंदर दो दो सिंगल क्रोशिया करते हुए ये रो मैं कंप्लीट करूंगी। एक स्टिच के अंदर दो दो सिंगल क्रोशिया करते हुए ये मैं रो कंप्लीट करूंगी। ये मैंने रो कंप्लीट कर लिया, लास्ट में पहुंच गई हूँ। लास्ट में जो स्टार्टिंग चेन बनाई थी उसके साथ इस तरह से डाल के स्लिप स्टिच कर लूंगी। ये स्लिप स्टिच करते हैं ताकि हमारा घेरा इक्वल रहे। देखिए कितना अच्छा घेरा आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर फिर एक की चेन बनाऊंगी। अभी मैं अगली रो के अंदर आ गई हूँ। अब पहले स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, सेकेंड स्टिच के अंदर दो सिंगल क्रोशिया, बिना बल का करना है। सेकेंड स्टिच में दो सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ स्टिच के अंदर दो सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में दो सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में दो सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में दो सिंगल क्रोशिया। ये
कि इस तरह से आएगा, ये करते मैं अपनी रो कंप्लीट कर लूंगी। देखिए मैं लास्ट पे पहुंच गई हूँ। अब यहाँ पे जो मेरी स्टार्टिंग की चेन थी उसके अंदर इस तरह से डाल के, अब ये मेरा आ गया है। अब मैं नेक्स्ट फिर एक की चेन बनाऊंगी। अब इस लाइन के अंदर अगर मैं मोती डालना चाहूं तो वो किस तरह से डालूंगी? देखिए मोती डालने के दो तरीके होते हैं जो मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, वो भी देख सकती हैं। इसके अंदर या तो मैं सीधी तरफ से डालूंगी, मैं सिंगल क्रोशिया में डाल रही हूँ तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है उल्टी तरफ से डालना। तो इस तरह मैंने अपने वर्क को टर्न कर लिया। अब मैं उल्टी साइड से काम कर रही हूँ। उल्टी साइड से काम करने के लिए अभी देखिए स्टिच के बीच में इस तरह से पहले मैंने मोती डाला। अब स्टिच में से जब मैं सीधी तरफ से करती हूँ तो मेरा इस तरफ इधर चलता है, पर जब मैं उल्टी तरफ से कर रही हूं तो मैं यहां की तरफ से करूंगी। तो अब स्टिच के अंदर, हर स्टिच के अंदर मुझे एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो मैं स्टिच के अंदर से इस तरह से निकालूंगी, दो हो गए, दो का एक। अब मैं हर स्टिच में नहीं डाल रही हूं मोती, तो मैं दो प्लेन करूंगी बीच के, दो प्लेन करूंगी, फिर नेक्स्ट स्टिच में मोती डालूंगी। बिना बल लिए इस तरह पहले मोती डालेंगे, फिर स्टिच में से इस तरह से निकालेंगे, दो हो गए। अब ये देखिए मोती यहाँ बीच में आ जाता है, तो अब ये दो हो गए, दो का मैंने एक कर लिया। फिर अगले दो स्टिच में से नॉर्मल मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया करा। इस लाइन में मैं बढ़ा नहीं रही हूं, तो जितने डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया उन्हीं के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया कर रही हूं। अब बस मैंने पैटर्न क्या रखा है कि पहले स्टिच के अंदर एक स्टिच के अंदर मोती, नेक्स्ट दो के अंदर प्लेन, फिर एक स्टिच के अंदर मोती, नेक्स्ट टू के अंदर प्लेन। अब इसके अंदर मैंने मोती डाला तो नेक्स्ट टू स्टिच मेरे प्लेन आएंगे बिना मोती के। फिर नेक्स्ट स्टिच में मोती, फिर नेक्स्ट टू प्लेन। अभी देखिए उल्टी तरफ से मैं मोती डाल रही हूं तो वो फ्रंट में इस तरह के आए, वो फ्रंट में इस तरह के आए, ये मैं उल्टी तरफ से डाल रही हूं। और देखिए बीच का गैप भी इक्वल आएगा। तो अब इस तरह करते हुए ये रो भी मैं कंप्लीट कर लूंगी। देखिए ये इतना मैंने कर लिया है घेरा। ये जीरो नंबर के कान्हा जी के लिए अपने आप में एक बहुत अच्छी पोशाक बन गई है। इतना साइज हमारे जीरो नंबर के कान्हा जी के लिए परफेक्ट रहता है। तो अगर आप चाहें, अगर आपके छोटे कान्हा जी है तो आप यही छोड़ सकते हैं, एक हैवी वर्क उनकी डिजाइनर ड्रेस तैयार है। ठीक है, अब इसके आगे हम स्टार का कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ।